हेलो क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज रनिंग में है 3.4। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। वर्ड वाला में बच्चों, ये द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर होता क्या है, और 2 डिजिट नंबर आपका 2 डिजिट नंबर होता है आपका 10y+x, जिसमें कि जो आपका ये होता है यूनिट डिजिट, और ये होता है आपका 10 डिजिट। तो 2 डिजिट नंबर आपका ये होता है 10y+x। अब हम पढ़ते हैं अपना स्टेटमेंट। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। वो बात करा डिजिट्स की, ये आपका यूनिट डिजिट, ये आपका 10 डिजिट आपका यहाँ पर है। तो द सम ऑफ द डिजिट्स मीन्स x+y=9 हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, दिस नंबर मीन्स ए 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर का 9 टाइम्स मीन्स हो गया आपका 9, और आपका 2 डिजिट नंबर है आपके पास 10y+x, इक्वल है किसके, ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो आपके सामने आएगा 10x+y। केवल रिवर्स क्या होते हैं, x और y रिवर्स हो जाते हैं, या इसकी जगह एक वर्ड और आता है इंटरचेंजिंग, देन 10x+y ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस मीन्स 2 आपका यहाँ आ गया। तो सॉल्व कर लेंगे, 90y+9x=20x+2y, ये आपका हो गया 9x, 20x तो कर देंगे ट्रांसपोर्ट इधर, माइनस के 20x, और ये है आपका 90y, और इसका भी कर देंगे आप ट्रांसपोर्ट इधर, माइनस के 2y, इक्वल 0 कर दीजिए फिलहाल। 9x में से 20 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा माइनस के 11x, और 90 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा प्लस के 88y, और इक्वल 0। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू आप निकालेंगे, और x और y की वैल्यू रख देंगे 2 डिजिट नंबर के अंदर, तो फिर आपका आंसर आना चाहिए। इसे आप और छोटा भी कर सकते हैं, 11 का डिवाइड करके इसको और छोटा कर सकते हैं, तो आप लिख दीजिए यहीं पर ही, और -x+8y=0, ये आप और छोटी इक्वेशन हो गई। तो आपकी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए किसी भी मेथड से, और आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकाल कर 2 डिजिट नंबर में आपको उसको रखना है। आपका जो आंसर आना चाहिए 18 आना चाहिए, 18। चलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 4 पर। मीना वेंट टू ए बैंक, मीना बैंक गई टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। सी आज द कैशियर, उसने कैशियर से क्या कहा, टू गिव हर, कि उसे दे 50 रुपीज और 100 रुपीज नोट दे, ओनली मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, उसे मिले 25 नोट टोटल। तो फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज, आपको बताना है 50 रुपीज के कितने नोट थे और 100 रुपीज के कितने नोट थे जो उसने रिसीव किए। देन तो यहाँ लिखेंगे हम लोग,
लेट मीना रिसीव एक्स नोट ऑफ 50 rupees एंड वाई नोट ऑफ 100 rupees। तो 50 rupees को हमने एक्स मान लिया और 100 rupees वाले नोटों को हमने वाई मान लिया। देन अब पढ़ते हैं इसके स्टेटमेंट। तो 50 rupees मीन्स एक्स हो गया, तो आपका ये होगा 50x, ये आपका होगा 100y, और टोटल आपके पास रुपीज़ थे 2000। तो आपकी इक्वेशन बन गई 50x प्लस 100y इक्वल 2000 rupees। अब आप इसको इक्वेशन को आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 50 का डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन के अंदर, तो आपका ये आ जाएगा x, ये आपका आ जाएगा 2y, और ये आपका आ जाएगा 50 का डिवाइड करने के बाद 40। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। खुशिका का आपसे मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, उससे टोटल नोट मिले हैं 25। इट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल 25। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दीजिए। आपका आंसर आना चाहिए इसमें, ये अपने आप आपको सॉल्व करना है किसी मेथड से। टेन नोट तो आपके आने चाहिए 50 rupees वाले, और 15 नोट आपके आने चाहिए 100 rupees वाले। तो 10 और 15 में कितना हो गया 25, तो उसे इसने रिसीव किए थे 25 नोट्स। तो इनको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।